जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि कर्स्टन, गैरी कर्स्टन को डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद. आई नो यू गाइज लाइक टॉकिंग अबाउट सेक्स, सो लेट्स फिनिश ऑफ द बोरिंग टॉपिक्स फर्स्ट. वी स्टार्ट ऑफ विद राहुल गांधी. राहुल गांधी ने पिछले दिनों शताब्दी ट्रेन से यात्रा की. ये बहुत ऐतिहासिक घटना है क्योंकि वो शताब्दी में एक बार ऐसा कुछ करते हैं. आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में क्यों ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? क्योंकि सुरेश कलमाड़ी साहब 2010 सालों से इंडियन ओलंपिक्स कमेटी के चेयरमैन हैं. ममता बैनर्जी ने व्हाट्स योर राशि देखी और मुंबई से सूरत जाने वाली ट्रेन का नाम बदलकर आशुतोष गोवारीकर पैसेंजर ट्रेन रख दिया. नहीं सुनिए क्यों, क्योंकि मुंबई से सूरत के बीच 12 स्टेशन आते हैं. लकीली हर स्टेशन पर एक एक प्रियंका चोपड़ा ए समोसा क्या गरम बेचने नहीं आते. इस साल इंडिया की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट विल क्रॉस $10 billion. इट इज बिकॉज वी हैव इन्वेंटेड द क्योर फॉर इंसोम्निया. जी हाँ, इंडिया ने नींद की गोली का रिप्लेसमेंट ढूंढ निकाला है. अब सोने के लिए ना तो आपको कोई स्लीपिंग पिल लेनी पड़ेगी और ना ही कोई इंजेक्शन. व्हाट्स योर राशि देखिए, नींद अपने आप आ जाएगी. नेक्स्ट बोरिंग टॉपिक. एसआर के करण जौहर के लिए ड्रेस डिजाइन करेंगे. ही वॉन्ट्स टू बी करण जौहर फैशन डिजाइनर. मतलब एसआर के इज फाइनली कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट. फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई दोस्त नहीं है. कोई बात नहीं, ऑर्कुट है, फेसबुक है. नहीं तो अपनी आने वाली फिल्म के क्रेडिट में लिख दो लुकिंग फॉर सम फ्रेंड्स. कुछ रिस्पॉन्सेस तो जरूर आएंगे. आई मीन हिम्मत रखिए, कुछ लोग अभी भी आपकी फिल्में देखते हैं यार. उत्तर प्रदेश में इन दिनों मायावती के स्टैच्यूज दिन दुगनी और रात चौगनी फैल रहे हैं. कई लोग तो बहुत ध्यान से अपने घर का दरवाजा खोलते, कहीं बाहर निकलते यू नो स्टैच्यू से टकराने जाए. सॉरी बहन जी, सॉरी. चाइना और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानती है. उनका यह भी मानना है कि भोजपुरी फिल्में बीजिंग में बननी शुरू हुई थी. सलमान खान ने विवेक ओबरॉय को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इडियट कहा है. क्यों कहा यार, कहने की क्या जरूरत थी यार. एनीवे, विवेक ओबरॉय से पूछने पर उन्होंने बताया कि सलमान खान सही बोल रहे हैं. आई एम एन इडियट, आई एम द ओनली इडियट इन इंडिया जिसने वॉन्टेड देखी, वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो. विवेक ने यह भी कहा है कि वॉन्टेड देखने के बाद मुझे लगा कि वॉन्टेड एक प्लास्टिक फिल्म है, जस्ट लाइक ऐश्वर्या. ऐश्वर्या को सलमान से ही शादी करनी चाहिए. देखिए देखिए, आई टोल्ड यू ही इज एन इडियट. व्हाट एन आइडिया सर जी. हमारे यहां पिछले दिनों एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर स्पाइंग करते हुए पकड़ा गया. हाँ, जो इसी के पेरोल पर था. पाकिस्तान इन दिनों बहुत फ्रेंडली मूड में है, उनके यहां बेरोजगारी बढ़ रही है ना. हाँ, फिर भी हमारे यहां के लोगों को रोजगार दे रहा है. जूलिया रॉबर्ट्स पिछले दिनों इंडिया आई. हाँ तो भाई आ सकती है ना, उसमें क्या आया, उसके पास पासपोर्ट है, वीजा है. हमारे पास तो जिनके पास नहीं होता वो भी आ जाते हैं. अजमल कसाब से पूछो. अच्छा, बाबा रामदेव. अरे बाबा रामदेव, आई नो बाबा रामदेव इज अ फनी मैन. अरे यार जोक तो सुन लो. योग गुरु बाबा रामदेव ने स्कॉटलैंड में 16 करोड़ का एक आइलैंड खरीद लिया. आइलैंड, वो भी स्कॉटलैंड. क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव को कुछ कुछ योग आसन करने में दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए अब वो स्कर्ट पहन के योगा करेंगे. देखिए. भाई स्कर्ट या किल्ट, स्कॉटलैंड का नेशनल ड्रेस है यार. गलत मत समझो. तो बताओ, बैक पाइपर बजाते हो, स्कर्ट ही पहनते हो.
आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। बीजेपी के कुछ लीडर्स का कहना है कि अडवाणी पार्टी को डिक्टेटर की तरह रूल करते हैं। रॉन्ग बॉस, हेलो हेलो, रॉन्ग। अडवाणी जी नहीं, कुछ भी बोलते हो यार, अडवाणी जी डिक्टेटर नहीं, स्पेक्टेटर हैं, बस देख रहे हैं आप लोग कैसे पार्टी की बजा रहे हो। राहुल गांधी ने पिछले दिनों पंजाब के गांव में जाकर लंच किया, खाना खाया, फिर यूपी में 300 कांग्रेस एमपी एमएलए को एक एक रात दलित परिवारों के घर खाना खाने भेज दिया। यही डिफरेंस है बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस में। हाँ, बिजनेसमैन जो होता है वो क्लाइंट को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जाता है, पॉलिटिशियंस क्लाइंट के घर में घुसकर उसी का खाना चुरा कर खा जाता है। अच्छा, फराह खान इन दिनों एक टीवी शो होस्ट कर रही है, आपने देखा नहीं? अरे सुना तो होगा ना, अगर आप टीवी का वॉल्यूम जीरो पर रखेंगे तो भी आपको ये शोर तो सुनाई देगा। पाकिस्तान ने पिछले दिनों भारतीय बॉर्डर पर 5 रॉकेट फेंके थे, छठा नहीं था इसलिए नहीं फेंका, उनके पास सिर्फ 5 ही थे। टाइगर्स बिना खाना खाए ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक जी सकते हैं। हाँ, इसीलिए नलिनी ने फास्ट अप टू डेथ बस 2 दिन के बाद तोड़ दिया। बस 2 दिन, दैट्स इट, दैट्स इट। बट ये फास्ट उसको करने किसने दिया यार? आखिर शी इज पार्ट ऑफ एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ तमिल टाइगर्स, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाती तो कौन जवाब देता? हाँ, लेकिन जेलर साहब हिसाब से जस्ट इन केस नलिनी गेट्स एक्सटिंक्ट, हम उसको चाइना में बेच सकते हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अल्टीमेटम दे दिया है कि 2010 तक दार्जिलिंग हिल्स में स्थापित गोरखा लैंड को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। उनका कहना है कि होम वेस्ट बंगाल में नहीं रहेगा, अगर 2010 तक गोरखा लैंड दार्जिलिंग में नहीं बनाया तो हम नेपाल में गोरखा लैंड बना देंगे। और हर सुबह मॉर्निंग शो में नेपाली पिक्चर देखा है। ताइवान की पुलिस ने 96 ईयर्स के एक क्रिमिनल को जेल में लेने से मना कर दिया है। जेल सुपरिंटेंडेंट का कहना है कि सजा किसको दे रहे हो भाई, इतने बुढ़े लोगों को भेजते हो, सेवा हमको करनी पड़ती है, टॉयलेट ले जाओ, पानी पिलाओ, नहलाओ, बहलाओ, ये 80 के ऊपर वाले जल्दी थाले सोते भी नहीं है। बेचारे यार, बिल्कुल यार, यार सजा किसे दे। मेक्सिको सिटी में कहीं भी टाइम पर पहुंचना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पर हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है और वहां देर से पहुंचने पर अच्छा कोई माइंड भी नहीं कर सकता, मतलब करता ही नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए पति शाम को 6 बजे घर पहुंच कर देखे कि वाइफ किसी गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है तो वाइफ कहेगी गलती तुम्हारी है, आज टाइम पर कैसे आ गए तुम? हस्बैंड कहेगा ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं बाहर रुकता हूं। सेक्स से मेरा पुराना टॉपिक याद आ गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गैरी कर्स्टन का कहना है कि क्रिकेटर्स को अच्छा परफॉर्म करने के लिए रेगुलर सेक्स करते रहना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों में मैच के दौरान लंच ब्रेक, टी ब्रेक के साथ एक और ब्रेक लेना पड़ेगा। वाकई में ऐसा हो गया तो माहौल ही कुछ अलग हो जाएगा ना। पहले सचिन जब सेंचुरी मारकर आते थे तो लोग कहते थे वाह वाह, अब लोग कहेंगे सचिन यूसुफ पठान 2 छक्के मारने के बाद रुक जाएंगे, धोनी कहेंगे अरे और मारना, तो यूसुफ बोलेंगे अब्बा पैवेलियन में बैठे हैं क्या सोचेंगे। फिर तो प्रैक्टिस सेशन ग्राउंड पे नहीं, होटल के रूम में हो। प्लेयर्स टेनिस एल्बो, टखने की चोट, उंगली की चोट के अलावा भी कुछ और इंजुरीज की वजह से टीम से बाहर हो सकते हैं। पहले क्रिकेट में बैट लगा करती थी, अब बैट लगा करेगी। ईशान शर्मा अगर पहले ओवर में ही 2 विकेट ले
तो कमेंटेटर शायराना अंदाज में कुछ यूं कमेंट करेंगे, ये खुली खुली सी जुल्फें, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, तेरी सुबह कह रही है रात का फसाना। फाइनल मैच खेलने के लिए सारे खिलाड़ी आंख मलते ग्राउंड पे आएंगे। पता चला क्वेश्चन के सिवा रात भर कोई सोया ही नहीं। ये सब अच्छा नहीं लगता है। आई मीन वी आर इंडियंस यार, यू नो बीसीसीआई ने मन बना लिया कि ये कर्सन को यार बदल दिया जाए। हाँ, अब वो ओबामा की तरह परफॉर्मेंस की बात करते हैं पर असल में कुछ करते तो है नहीं, इसीलिए इंडियन टीम के नेक्स्ट कोच हैं डॉक्टर प्रकाश कोठारी। ब्रेक के बाद दिखाऊंगा लोगों के रिएक्शंस बूथनाथ में। जी हाँ, गैरी कर्सन के सेक्सी प्लान्स पर उनके रिएक्शंस।